मध्य प्रदेश के सागर जिले की देवरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत छिंदली की समस्याओं एवं सरपंच की ज्यादती के विरोध में सरपंच के खिलाफ चल रहे धरना प्रदर्शन में ग्राम के कैलाश पटेल, एडवोकेट भगवान दास पटेल, राजेश मोहन चौधरी, प्रकाश रानी चड़ार, पूर्व पंच देवकी नंदन साहू, मुकुंदी अहरवार, पूर्व सरपंच आदि कोरोना नियमों का पालन कर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं, जिनके द्वारा शुक्रवार के दिन SDM को आवेदन दिया गया। उसके बाद शनिवार से ग्राम में धरना प्रारंभ किया गया, जिसमें दूसरे दिन रविवार व तीसरे दिन सोमवार को 3 दिन होने के बाद और मामला प्रशासन के संज्ञान में होने के बाद भी कोई भी जिम्मेदार अधिकारी वहां ग्रामीणों की समस्या सुनने तक नहीं पहुंचा। ग्रामीणों द्वारा बताया जा रहा है कि ग्राम छिंदली के मुख्य रास्तों पर सरपंच द्वारा अपने भतीजे देवी प्रसाद पिता गजाधर कुर्मी द्वारा स्थायी निर्माण कर रास्ता रोक दिया गया है एवं उसी चौराहे पर मड़िया के बाजू में दूसरे रास्ते पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य सेल्फ तक पहुंच गया है, पर शिकायत करने के बाद भी आज दिनांक तक कोई जांच या कार्रवाई नहीं हुई। वहीं एक भतीजे द्वारा शासकीय नल पर कब्जा कर निजी मोटर डाल ली गई है, जिससे मोहल्ले के लोग पानी की समस्या के चलते परेशान हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज दिनांक तक 7.5 वर्ष होने को हैं, पर ग्राम पंचायत भवन में पंचों की एक भी मीटिंग नहीं हुई, ना ही ग्राम की समस्याओं पर चर्चा हुई। इसी के साथ एक भतीजे ब्रजेश धनंतर द्वारा भी रवि विश्वकर्मा के घर जाने वाले आम रास्ते को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। सरपंच अपने एक लौते डॉक्टर पुत्र सुनील धनंतर का गरीबी रेखा का कार्ड बनवाकर सभी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं, जबकि वास्तविक व्यक्तियों के नाम कटवा दिए गए हैं। वहीं ग्राम के बाबू चड़ार जो छोटी सी कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, ना उनके पास खेती है ना कोई रोजगार, जो मजदूरी के बल पर अपना परिवार चला रहे हैं। उनका ना BPL कार्ड है ना किसी योजना का आज तक उन्हें लाभ मिला है। सरपंच के परिवार द्वारा मुख्य रास्तों पर अतिक्रमण किए जाने पर संपूर्ण ग्राम का नक्शा खराब होने से आम व्यक्ति परेशान व आक्रोशित है। ग्राम पंचायत के पानी के टैंकरों की बात की जाए तो आमजन के उपयोग में नहीं बल्कि निजी हित में उपयोग किया जा रहा है। वहीं ग्रामीणों के लिए जो बिजली की 2 DP रखी गई थी उस पर भी कब्जा कर स्वयं उपयोग कर रहे हैं, जिस कारण सभी ग्रामीण अत्यंत परेशान हैं। बस समस्त ग्रामीण जन की सहमति से अनिश्चितकालीन धरना तीसरे दिन भी जारी रहा, मगर प्रशासन को सब जानकारी होने के बाद भी वहां जनता के हित में धरना पर बैठे ग्रामीणों से बात करना उचित नहीं समझा, ना ही दबंग सरपंच के खिलाफ कोई कार्रवाई की, जिस कारण दबंग सरपंच के हौसले बुलंद हो रहे हैं। कैलाश पटेल कहाँ के रहने वाले भाई? छिंदली के भाई। तो आज जी अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं आप लोग, किन किन मांगों को लेके बैठे हैं? ये मांगे जो हैं सरपंच के विरोध में हैं, क्योंकि गांव के मुख्य रास्ता पर जो अतिक्रमण उनके भतीजे के द्वारा करवाया गया, तो उसके उसमें एक भतीजे ने एक रास्ता बंद कर दी थी और वही दूसरी रास्ता जो है चबूतरा के बाजू में इनने अतिक्रमण कर लिया और इन्होंने नल में शासकीय नल में मोटर डाल के परमानेंट बाउंड्री कर ली है, तो कोई पानी भरने नहीं जा पाता है। और दूसरे भतीजे ने भी मोटर डाल के रखी है, तो उसमें भी लोग परेशान हैं। और भी अन्य चीज़ें हैं, जैसे एक शासकीय DP है, 2 DP हैं अटल प्रधानमंत्री ज्योति योजना के अंतर्गत 24 घंटे लाइट देने वाली, मगर ये दोनों DP इनके निजी उपयोग में हैं, जो खेतों की सिंचाई कर रहे हैं, एक भी कनेक्शन अन्य व्यक्ति का नहीं है। इस प्रकार के इनका अत्याचार है और दबंग है। जी ठीक, क्या नाम है आपका? बसंत कुमार श्रीवास्तव। कहाँ के रहने वाले हैं? छिंदली के हैं। अच्छा, आज जो अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे आप लोग, इनमें क्या मांगे हैं? इसमें मांगे हैं सरपंच के विरोध में हैं, सब पंचायत में भ्रष्टाचार को है, कछु उनसे मांगे रखी गई थी कि नल में वो व्यवस्था करवा, उनने अपने नल में घरों के नल में बोर खुद के उपयोग में कर ली और सड़कों पर इतना गंदगी पानी भर रहा है, अतिक्रमण है, जिसके संबंध में उनने कभी निराकरण नहीं करवाया। मैंने एक दो बार उनसे बोला भी था कि तुम मतलब थोड़ी सी खेतों की रास्ताओं में कछु डलवा दो, ये नीचे की रास्ताओं में कुछ करवा दो, CC वगैरह जो कि पानी एक साइड में निकलता जाए, नाली बनवा दो, पर उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने सचिव की कह दी, सचिव ने उनकी कह दी, तो आप पूरा गांव परेशान है। आगे की आप लोग क्या नीति फिर इसके बाद? आगे की नीति ये है कि जी सब काम मतलब हो जाए अच्छी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब जब तक प्रशासनिक अधिकारी इन कार्रवाई आश्वासन नहीं देंगे कार्रवाई को लेकर, तब तक आप लोग धरना? हाँ, तब तक तो रहेंगे। अभी तो निश्चित हड़ताल पर हो सकता है, भूख हड़ताल पर भी बैठ जाए लोग। नाम है आपका? बाबू। कहाँ की रहने वाली हैं? छिंदली। अच्छा, आपको शासन की योजनाओं को लाभ मिल रहा होगा? नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिला है साहब, न हमें आज तक इतने बड़े हो गए, न हमें कोई पैसा मिला है, न कुटी मिली है, राशन पर्ची भी नहीं मिली है, कट गई हमारी पर्ची। अच्छा, आपकी ना कुटी बनी और BPL कार्ड में भी नाम नहीं? हाँ हाँ। आपने सचिव सरपंच से नहीं बोला? बोलो है सर। कहाँ के थे?
अब खेत के ऊपर से कटी। अच्छा, आपकी खेती बाड़ी है का? नहीं सर। अच्छा, तो भी आपको नाम कार्ड दो? हमारा नाम कार्ड है। और हमारे जो बहू है, हमारे लड़का की बहू है, उनके ने माने पहली डिलीवरी के पैसा आए, ने अबे की डिलीवरी के पैसा आए, सब अपन मंजूरी कर करके अपन ने डिलीवरी ये अपन ने करवा है। ठीक। आपके पंचायत में जो अनिश्चितकालीन धरना लगा हुआ ग्रामीणों द्वारा, हाँ, क्या संबंध है जा रहा है? एक अतिक्रमण के संबंध में है कि सरपंच के परिवार के लोगों ने रोड के बाजू से दीवार खड़ी कर दी है, उसके संबंध में है। तो आपने भ्रष्ट अधिकारी को अवगत करा दिया? भ्रष्ट अधिकारी को अवगत करा दिया है और चर्चा भी उनसे हुई थी, मैं पुलिस भी आई थी, टीआई साहब भी आए थे, तो एक लाख के चले गए। तो अभी कुछ नया निकला उसमें? अभी तो कुछ नहीं निकला है, आगे चल के देखो कुछ होता है तो।